स्वागत है आपका द सेलिब्रिटी टॉक शो में जहां हम बात करते हैं जोश जज्बे और हौसले की विद द विजनरी लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़ और आज हमारे साथ शो पर हैं ना सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बल्कि एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर भी लेट्स वेलकम मिस्टर सुनील रामदास अग्रवाल फ्रॉम रामदास द्रौपदी फाउंडेशन मिस्टर अग्रवाल स्वागत है आपका सेलिब्रिटी टॉक शो में और जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं बिजनेस सोशल वर्क पॉलिटिक्स uh, हर चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे ज्यादा दिल आपका कहाँ लगता है धन्यवाद uh, काम्याजी सबसे ज्यादा दिल तो मेरा वैसे सोशल वर्क में लगता है उसको मैं ज्यादा महत्व तो देता हूँ जीवन में क्योंकि जीवन का आधार ही सामाजिक कार्य होना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ और किस तरह का सोशल वर्क आपको बहुत यू नो इम्पैक्टफुल लगता है मैं देख रही हूँ रायपुर में आपने बहुत सारे यू नो ट्रीज ग्रो करे हैं या लगाए हैं किस तरह से एनवायरमेंट की तरफ आपका कंट्रीब्यूशन रहा है या फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन रहा है आपने ठीक कहा वैसे तो सामाजिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है इसके विषय भी बहुत अनेक होते हैं जहां तक मेरी बात है रामदास दुप्ती फाउंडेशन के बैनर पर मैं काम करता हूँ और वैसे अनेक संस्थाएं जो भी हैं उनसे भी बहुत जुड़ा हूँ मैं चाहे सामाजिक हो अग्रवाल समाज से हो वन्य समाज से हो सर्व समाज से हो सभी भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है रामदास दोपती फाउंडेशन में हम की अगर बात करें मेरे पिताजी का नाम रामदास अग्रवाल माता जी के नाम द्रोपति देवी है बताना चाहूँगा सभी को कि हमने अपने माता पिता के सामने ही इस संस्था का गठन किया मेरा सा सोचना है कि माता पिता के सामने ही यदि उसका बच्चा क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है यदि ये, ये कार्य करे तो ज़्यादा सुखद होगा उनको भी अच्छा लगेगा क्योंकि उनके जाने के बाद तो हम उनकी मेमोरी में करते ही हैं और करना भी चाहिए जब मैंने उनके सामने गठन किया और वो अपने कार्यक्रम में स्वयं चीफ गेस्ट बनकर जब कार्यक्रम को उन्होंने अटेंड किया तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला उसका तो उनको सुकून मिला कि भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं तो रामदास रामदासध्ती फाउंडेशन में हमने दस क्षेत्र लिए हैं जिसमें काम्याजी पर्यावरण को हमने चुना है उसमें भी हमने पौधारोपण जिसको मैं वृक्षारोपण कहना चाहूँगा वो हम करते हैं हम रायगढ़ में हमारी छः एकड़ की छोटी सी नर्सरी है तीन लाख पौधों की कैपेसिटी की नर्सरी है वो हम प्रतिवर्ष पचास हजार उसमें से बड़े पौधे बड़े मतलब अभी अपनी ऊंचाई से भी ज़्यादा छः फुट से बारह फुट के पेड़ बड़ा करते हैं अपने ही नर्सरी में फिर जब वर्षा काल में हम अनेक संस्थाओं के साथ प्रबुद्धनों के साथ सरकार के साथ जिस किसी का भी हमको समाचार मिलता है उसके साथ मिलकर और स्वयं अपने कैपेसिटी में भी हम पूरे अंचल में विशेषकर रायगढ़ अंचल में और अभी तो रायपुर में भी हम कर रहे हैं तो हम बारिश के समय वृक्षारोपण करते हैं रायपुर में बहुत बदलाव आया है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट बिल्डिंग्स आ रही हैं मॉल्स आ रहे हैं लोगों की आमदनी बढ़ रही है इन सब में इन्वायरमेंट का क्या अहमियत रखता है कि आप अपना इतना वक्त उसमें डाल रहे हैं और अफकोर्स दिखने में तो शहर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है एज इट्स गोइंग ग्रीन पर आपका क्या मिशन है वेन इट कम्स टू दी इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के बिना तो जीवन हो नहीं सकता आप चाहे कितना भी विकास कर डेवलप कर ले आप यदि इन्वायरमेंट ख़राब कर यदि अपना डेवलपमेंट करेंगे तो और आप विनाश की ओर जाएंगे आपको अपना विकास करना है डेवलपमेंट करना है पूरे घर के मोहल्ले का शहर का राज्य का देश का लेकिन इन्वायरमेंट को फोकस कर कर आपको ऐसा जीवन जीना है ऐसे कार्य करने हैं जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुँचे उल्टा उसको और संरक्षित करे जाए उसको बढ़ाया जाए आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है पूरा जीवन है आप कहीं पर भी यदि आप इन्वायरमेंट को हटा दें पौधों के पेड़ को हटा दें तो आप क्या खाएंगे क्या बनाएंगे क्या कैसे रहेंगे आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा कोरोना में क्या चर्चा हुई ऑक्सीजन की कमी की चर्चा हुई ऑक्सीजन देने का एकमात्र तो स्रोत पेड़ होते हैं पेड़ एक ऐसा साधन है जहाँ से आप ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो आपके इन्वायरमेंट पर ही काम करना होगा और जितने भी उद्योग जो भी प्रोडक्शन देश में कर रहे हैं उसका जो वेस्ट जा रहा है या उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको अपन वेस्ट कर देते हैं तो उसके रिसाइकिलिंग उसका पुनरुपयोग कैसे हो हमारे फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट ये भी है वस्तुओं का पुनरुपयोग भारत देश एक विकासशील देश है और अभी बहुत वर्षों रहे तक रहेगा मोदी जी ने अभी दो तक विकसित भारत की बात तो कह दी तो उसको हम आज से ही सभी पहलुओं पर काम नहीं करेंगे तो कैसे विकसित भारत होगा आप प्रोडक्शन तो कर लेंगे उसका उपयोग भी कर लेंगे फिर जो वेस्ट होगा उसको क्या करेंगे एनवायरमेंट खराब करेंगे भारत देश में वेस्ट जो वेस्ट हो रहे हैं उसको तत्काल रियल टाइम पे कैसे उसको फिर से किया जाए ताकि उसका दुष्प्रभाव न पड़े उस पर भी काम करना पर क्या लोगों का भी साथ रहा है इसमें कि लोगों को समझाना मुश्किल होता है कि कितना जरूरी है कि कितना ज़रूरी हमारे लिए ये भारत में प्राय देखा गया है कि चर्चाएं तो बहुत पहले से होती रहती है लेकिन जब तक सिर पर आ जाए जब तक आदमी जागता नहीं है अब मोदी जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम जो कहा है तो आप समझ सकती हैं अब लोगों को समझ में आ रहे नहीं नहीं करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए चाहे फोटो खिंचाने के लिए करें चाहे उनको अच्छा लगे तो करें या माँ के नाम पर करें किसी भी तो तो मिलेगा और, अच्छा। और, और उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे वहाँ के बारे में बताना चाहूँगा कामे जी दो हजार आठ की बात है मुझ पर लाइटिंग हुई थी स्काई लाइटिंग हुई थी तब मैं रायगढ़ में मेरे गुरु अभी अतुल कृष्ण भारद्वाज जी वृंदावन के हैं उनकी रामकथा चल रही थी तब मैंने पहली बार पूरी रामकथा नौ दिन श्रवण की और मेरी जो तबीयत थी वो ठीक हुई मैं वहाँ से उबर पाया और तब से मैं मतलब वैसे तो हम हिंदू हैं लेकिन राम के प्रति जो मेरा रुझान है धर्म के प्रति जो रुझान है वहाँ से बढ़ता चला गया तब मुझे रायपुर में सूचना मिली कि वी रोड में एक राम मंदिर का निर्माण होना है उस पर सहयोग करना है तब मैं रायपुर तो मेरा आने जाना लगा रहता था रायगढ़ से अभी मैं रायपुर में सेटल भी हो गया हूँ तो जब राम मंदिर के उस कार्य में वहाँ जुड़ा और लगा तब दो में फरवरी में अपने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे हमने उनके हाथों से उसका उद्घाटन करवाया था प्रतिष्ठा करवाई थी श्री राम जी की योगी जी का चुनाव मार्च में हुआ उत्तर प्रदेश में वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने उसके बाद और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और फिर अयोध्या में श्री राम मंदिर जी का निर्माण हुआ खुद राम जी वहाँ भी राजी आपके सामने परिणाम है बिल्कुल काम की भी बात करते हैं इतना सब करते हुए किस तरह से आप क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ योर या जो भी है किस तरह से आप ध्यान देते हैं अपनी कंपनी का का अपने बिजनेस का? वर्तमान समय पूरा आर्थिक आर्थिक क्षेत्र में बढ़ चला है आप कोई भी काम करते हैं तो आर्थिक जब तक आप मजबूत नहीं होंगे आर्थिक रूप से आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो मैंने सोचा कि यदि मैं आर्थिक रूप से मजबूत रहूंगा तो जीवन में चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो सभी पहलुओं पर काम करना है तो निश्चित रूप आपको कहीं कही ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा वैसे हम तो अग्रवाल हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र में हमारा समाज तो रहता ही है तब हमने अपना व्यापार को आगे बढ़ाया रायपुर एज ए सिटी उसका क्या ख्याल है आपका जस्ट इन टर्म्स ऑफ विकास डेवलपमेंट किस तरह से ये शहर बढ़ रहा है तो आपका क्या ख्याल है रायपुर एज ए सिटी के बारे में पूरे देश में छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा राज्य है और रायपुर कैपिटल बहुत प्यारा शहर है वैसे तो भारत में हम कई अनेकों जगह जाते रहे हैं नागपुर इंदौर भोपाल हैदराबाद पुणे भ्रमण करते रहते हैं बड़े मेट्रो सिटी भी जाते रहते हैं रायपुर में असीम संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगा हुआ राज्य भी है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के जो बिजनेसमैन भी बहुत मजबूत हैं उनकी सोच भी अच्छी है और रायपुर में सभी लोग बहुत काम अच्छा कर रहे हैं उद्योगपति हो या रहने वाले लोग बिल्कुल बात करते हैं खाने पीने की भी रायगढ़ से भी आपका नाता रहा है और रायपुर से भी तो कोई खाने की डिश बताए जो रायगढ़ और रायपुर दोनों में आपको बहुत पसंद हो नहीं रायगढ़ रायपुर की खाने डिश में ऐसा कोई विशेष अंतर अंतर्रीपुर छत्तीसगढ़ में एक जैसा है जहाँ के चावल की चीले बहुत प्रसिद्ध है अच्छा और यहाँ तो वैसे धान का कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य है हमारा और औद्योगिक राज्य भी है भी हैं और किसान भाई भी हैं तो यहाँ पर मिला जुला है यहाँ की अपनी संस्कृति है यहां की अपनी भाषा है और यहाँ का अपना एक स्वयं का सारा कल्चर है तो यहाँ पर राइस बेस्ड ज्यादा डिश बनती है छत्तीसगढ़ अच्छा। में छत्तीसगढ़ जाना जाता है और आपकी अपनी स्टील की फैक्ट्रीज हैं तो किस तरह का फ्यूचर देखते हैं आप दिस स्टील इंडस्ट्री और किस तरह से अपनी कंपनी आप आगे बढ़ाना चाहेंगे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तो स्टील हब हाँ है और रायपुर में बहुत से प्लांट्स हैं मित्रों के भी हैं हमने वे भी अभी तीन साल पहले ही दो प्लांट लिए हमने जिसमें हम दो ब्रांड सरिया बनाते हैं सार्थक टीएम टी और ब्लू लैंड टीएम टी हमारा एस के ग्रुप अभी हमको तीन ही साल हुए हैं और हम पेन इंडिया में यहाँ से सामान भेजते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है फिनिश फिनीसगोड सब यहाँ से भेजते हैं मैं बताना चाहूँगा हम तो हमारे जो न्यू जनरेशन है यंग जनरेशन है मेरा लड़का अभिषेक अग्रवाल भी और ईशान अग्रवाल संभाल रहे हैं और अच्छा। हम वहाँ फैक्ट्री जाते भी नहीं हैं हमने उनको कह दिया है कि भाई अब आपके आप लिए काम करना है तो अच्छा। आप जाइए आप सीखिए मतलब हम उनको पूरा फुल उनको पावर दिए हमने कि इसको आप ही समझिए आप ही देखिए हम उनको साथ भी इतना ही देते हैं जितना हम चर्चा करते हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अब काम उनको करना है तो उनको करने देना चाहिए यदि कुछ गलत भी करेंगे तो खुद सीखेंगे तो आप इंटरफेयर नहीं करेंगे जब वो काम आ, हम समझाइश देते अच्छा। नहीं <laughs> है। हैं नहीं चलो ठीक है चलिए आप तो अभिषेक किस तरह से ये टैकल करने वाले हैं आप शुरुआत से ही हमें ये चैलेंज आते वक्त ही मिला है कि ये तुम्हें स्टील का फैक्ट्री को तुम्हें आगे लेकर जाना है तो इसमें हमने विजन डे वन से ही बनाया है कि हम भारत का सबसे टॉप प्राइमरी प्रोडक्ट बनने की हमारी आशा है और इस ब्रांड को इस चैलेंज को हम क्वालिटी की तरह से देखते हैं हम हमारे सरिया में से एक भी बाधा नहीं आने देते हैं हम हम यह मानते हैं कि क्वालिटी ही हमारी सर्विस है तो हमें बोलने का मौका नहीं चाहिए हमें अपने प्रदर्शन का मौका से दिखाना चाहिए वाओ ओके तो हमारा विजन बहुत लॉन्ग टर्म का है अच्छा। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत टॉप प्रायोरिटी में रखा है तो हम चाहते हैं हम अपने स्टेट को भी सप्लाई करें और हमारे भारत को भी पैन इंडिया हम सप्लाई करें Absolutely, and yes. we wish you all the best for this. बहुत अच्छा लगा मिस्टर अग्रवाल आपसे बात करके ना ना बिल्कुल शुक्रिया। Thank, so Thank so nice meeting you as well. All the best. Thank you. Thanks for watching. Stay tuned to the Celebrity Talk Show. देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़.